हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का भरता। आलू का भरता खाने में बहुत अच्छा लगता है, साथ ही यह बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए आलू का भरता बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलू का भरता बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिनको हमने मैश कर लिया है। एक प्याज बारीक कटी हुई, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 4 लहसुन की कलियां जिसको हमने गैस पर भून लिया था, आधा नींबू, थोड़ा सा धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने बारीक काट लिया है, 2 टमाटर जिसे हमने गैस पर भून लिया है। सबसे पहले अब हम टमाटर को छील लेंगे। टमाटर को छील कर हम मैश कर लेंगे। आलू, सबसे पहले हम एक बाउल में आलू डाल देंगे। अब इसमें हमने ये टमाटर मैश कर लिया है, इसको डाल देंगे। प्याज, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। अब हम इसमें डालेंगे नमक, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर का हम इसमें थोड़ा कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। थोड़ा सा हींग और 1 स्पून धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, 1 स्पून सरसों का तेल। इसको आपको कच्चा ही लेना है, पकाना नहीं है। और इसके ऊपर नींबू को निचोड़ देंगे। नींबू डालने से प्याज की जो महक है वो थोड़ा कम आएगी। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यह भरता खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको आप दाल चावल के साथ ले सकते हैं, इसे आप बाटी के साथ भी ले सकते हैं। जब आपका ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन नहीं है तब आप इसे बना सकते हैं और इसको ले सकते हैं। हमारा आलू का भरता बनकर रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें बताएं आपको यह कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। इसी के साथ अब हम चलते हैं, हम आपसे अपनी नई वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।